Hello everyone, I'm Dr. Paramjeet and let's diagnose some ECGs. पहले ये देखो क्या दिख रहा है आपको. डरने की जरूरत नहीं है, बहुत तेज हार्ट रेट है और इरेगुलर दिख रही है. कहीं पे ECG के जो वेव्स हैं पास पास है, कहीं दूर हो रहा है, RR interval चेंज हो रहा है. तो दिस इज वेरी इरेगुलर, इरेगुलरली इरेगुलर. ये है AF. Yes, this is atrial fibrillation. हार्ट के आपका एक हिस्सा फड़फड़ा रहा है, इसीलिए रिदम जो है इरेगुलरली इरेगुलर हो रही है. कोई बात, लेट्स चेक अनदर वन. ये क्या लग रहा है? बड़ी साफ सुथरी ECG दिख रही है, ऐसा लग रहा है एब्सोल्युटली बढ़िया है, ठीक लग रही है, नॉर्मल लग रही है. बट नहीं, इसमें भी इट इज अ साइनस टैकीकार्डिया, हार्ट रेट बढ़ा हुआ है. इसमें दिल की धड़कन जो है 100 के ऊपर जा रही है. सो व्हेनेवर हार्ट रेट इज मोर देन 100, इट्स साइनस टैकीकार्डिया. उसका फिर हमें कारण ढूंढना होगा. Let's check another one. ये क्या लग रहा है आपको? इसमें देखोगे तो देर इज अ क्लासिकल M पैटर्न, RR डैश पैटर्न जो आपको दिख रहा है B1 और B2 में. ये है राइट बंडल ब्रांच ब्लॉक. इसके बाद देखते हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट ECG. क्या लग रहा है सोचिए, कमेंट सेक्शन में लिखिए. 5 सेकेंड, 5, 4, 3, 2, 1. No, ये हार्ट अटैक नहीं है. This is early repolarization changes. Now obviously that has to be clinically correlated कि पेशेंट को सिम्टम क्या है. But yes, इस ECG में V3, V4, V5 इसमें early repolarization, 3, 4, 5 में early repolarization changes दिख रहे हैं, जो हो सकता है initial stages हो हार्ट अटैक के. इसको ECG को half an hour में repeat करना चाहिए और clinically पेशेंट को under observation रखना चाहिए. Let's check another one. ये क्या? Now this you should know. Comment section में लिख के बताओ. 5, 4, 3, 2, 1. Yes, this is actual anterior wall heart attack, MI, myocardial infarction. यहां आप क्लियरली देख सकते हो leads V2, V3, V4, V5 इन सब में ST segment elevate कर गया है. और ये acute MI का केस है. और ये V1 से लेके आप चेंजेस V2, V3, V4, V5 में देख सकते हैं. एक्सटेंसिव एंटीरियर वॉल MI है, राइट? सो लेट्स चेक अनदर वन. व्हाट इज दिस? व्हाट काइंड ऑफ ECG? लुक एट द एरोस, लुक एट द एरोस. आई विल गिव यू 5 सेकंड्स टू थिंक एंड कमेंट. नीचे कमेंट करके बताओ क्या लग रहा है. सो वेरी क्लासिकल ECG, वेरी इंपॉर्टेंट ECG. यू कैन सी द एरोस आर पॉइंटिंग टुवर्ड्स पी वेव्स. दोस पी वेव्स कभी कभी कोरिलेट कर रहे हैं QRS के साथ, कभी कभी नहीं कर रहे हैं. दिस इज अ कंप्लीट हार्ट ब्लॉक, AV डिसोसिएशन. और उसी के साथ यू कैन सी द ST एलिवेशंस इन V2, V3, V4, V5, V6. सो दिस इज कंप्लीट हार्ट ब्लॉक विद एंटीरियर वॉल MI. तो क्या आप ऐसे ही ECGs डायग्नोस करना सीखना चाहते हैं? अगर आप भी सीखना चाहते हैं इसी तरह से ECGs को डायग्नोस करना और उसके बेसिक, तो आपको डाउनलोड करना है अनअकैडमी. जी हाँ, आपको डाउनलोड करना है अनअकैडमी का मोबाइल एप्लीकेशन. और उस एप्लीकेशन पे आप फ्री ऑफ कॉस्ट लाइव क्लासेस अटेंड कर सकते हैं, मेरी और मेरे जैसे ही बहुत सारे इंडिया के टॉप एजुकेटर्स हैं, जहां 20,000 से ज्यादा लाइव क्लासेस चलती रहती हैं. फ्री ऑफ कॉस्ट आप उसे एक्सेस कर सकते हैं. इंटरैक्टिव क्लासेस है, मुझसे बात कर सकते हैं, मेरे साथ चैट कर सकते हैं. आई एम गोइंग टू बी योर फिजियोलॉजी ट्यूटर देयर. और मिशन नीट PG में इस बार और अगली बार भी नीट PG की तैयारी करने में आपकी पूरी तरह से मदद करेंगे. तो स्पेशल क्लासेस मैं लेने वाला हूं, जो चल भी रही है अनअकैडमी में. आप जाके मुझे फॉलो कर सकते हैं. इन स्पेशल क्लासेस में आप मेरे साथ इंटरैक्ट कर सकते हैं. MCQs या क्वेश्चंस के पोल्स होते हैं, वहां आप ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते हैं. और इसे अनलॉक करने के लिए आपको सिर्फ मेरा कोड डालना है, अनलॉक करना है. फ्री ऑफ कॉस्ट आप ये सारी चीजें एक्सेस कर सकते हैं अनअकैडमी पे बाय पुटिंग दिस कोड परमजीत. सिर्फ एक कोड डालना है, अभी डाउनलोड करिए अनअकैडमी का ऐप, इंडियाज लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म. फ्री ऑफ कॉस्ट यू कैन एक्सेस ऑल दीज थिंग. अगर आपको फिर पसंद आए, देन यू कैन ऑप्ट फॉर अ सब्सक्रिप्शन. बट दिस इज अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी, डू नॉट मिस दिस अपॉर्चुनिटी. 100% नीचे डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है उसे क्लिक करिए और वहां जाके मेरा कोड जरूर डालिए. आई विल सी यू ऑन अन अकेडमी.